हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी अफेयर्स। तो रिसेंटली आदित्य एलवन मिशन हमने लॉन्च किया था, फर्स्ट सोलर मिशन, वो सक्सेसफुली अपनी ऑर्बिट में पहुंच चुका है। तो आज इस वीडियो में आदित्य एलवन मिशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसकी जो डिटेल्स हैं हम उसके बारे में जानेंगे। तो रिसेंटली इसरो से अपडेट आया है कि कुछ ट्रेजेक्ट्री करेक्शन किए गए हैं इसमें। लगभग 16 सेकेंड्स के लिए हमने प्रोपल्सर सिस्टम को फायर किया है, जिससे कि वो एलवन पॉइंट की तरफ बढ़ सके। तो स्पेस एजेंसी ने कहा कि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमें उसे एलवन पॉइंट में पहुँचाना था। और इसने अर्थ का जो स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो 8 days ago छोड़ दिया था, और ये हमारा सेकेंड स्पेस क्राफ्ट बन गया है आफ्टर मंगलयान, जिसने अर्थ का स्पेस ऑफ इन्फ्लुएंस छोड़ा है। तो इसमें आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि हम कैसे अपनी जो ऑर्बिट है अर्थ की, और हमें जो डिज़ायर डेस्टिनेशन पे जाना है तो हम उसकी ट्रेजेक्ट्री को चेंज करते हैं। जैसे इस वाले डायग्राम में बात करें तो हम, ये जो है हमारी डिज़ायर ट्रेजेक्ट्री थी, बट हमारा जो स्पेस क्राफ्ट था वो ये चल रहा था। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रोपल्शन सिस्टम को फायर करते हैं, जिससे कि ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, और जो रिक्वायर्ड जो हमारी डेस्टिनेशन है उसमें ये शिफ्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ट्रेजेक्ट्री का करेक्शन होता है। तो आदित्य एलवन मिशन, एक्चुअली में आदित्य जो वर्ड है वो, उसको संस्कृत में सन कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्पेस बेस्ड मिशन है जो कि सन को स्टडी करने वाला है, और इसे हमने सतीश धवन स्पेस सेंटर से 2nd September 2023 को लॉन्च किया था। इसे हमने पहले लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया PSLV-C57 लॉन्च व्हीकल से। उसके बाद हमने प्रोपल्शन सिस्टम को यूज़ किया, उसकी ऑर्बिट को एलिप्टिकल बनाया, उसके बाद हमने उसको टुवर्ड्स एलवन पॉइंट पॉइंट आउट किया। और ये जब अर्थ का जो ग्रेविटेशन स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस को छोड़ गया, उसके बाद फिर ये अपने क्रूज फेस में चला गया, और ये मिशन ऑलमोस्ट 109 अर्थ डेज को लेगा। उसके बाद ये अपनी हलो ऑर्बिट है जो अर्थ की एलवन पॉइंट, वहाँ पर पहुँचेगा, जो कि 1,500,000 किलोमीटर दूर है हमारी अर्थ से। ठीक है, तो ये इसमें लगभग 7 पेलोड्स हैं। तो उसमें 4 जो पेलोड्स हैं वो रिमोट सेंसिंग ऑफ द सन है, बाकी 3 जो हैं वो ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ किए जाएंगे। इसका लगभग वेट जो है हमारा 1500 kg का है, और हम इसे लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर अर्थ से दूर भेजने वाले हैं एलवन पॉइंट पे। तो इसके ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो इसको हम सन की जो नॉलेज है उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं। रेडिएशन, हीट फ्लो और पार्टिकल्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से हमको अफेक्ट करता है, हम सब इसकी सबकी स्टडी करने वाले हैं इसमें। सन की जो अपर एटमॉस्फेरिक लेयर होती है, क्रोमोस्फीयर और कोरोना, हम उसकी स्टडी करेंगे। और कोरोनल मास इजेक्शंस जो होते हैं, मीन्स लार्ज एक्सपल्जन ऑफ प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड जो कि सन कोरोना से निकलते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। कोरोना का जो मैग्नेटिक फील्ड है हम उसको एनालाइज करने वाले हैं इसमें, और स्पेस वेदर को किस तरीके से चेंज होता है, क्या इस पर किस चीज़ का इस पर इम्पैक्ट होता है, वो सारी हम स्टडी करेंगे इसके थ्रू। और जो सन की कोरोना होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, स्टिल वो ब्राइट नहीं होती है उतनी, तो उसके बारे उसका कारण हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। और जो भी पार्टिकल्स होते हैं सन के, वो पार्टिकल्स मूव करते हैं उसमें, एक्सेलरेट होते हैं, सोलर विंड जो जनरेट होती है उसके क्या क्या रीजंस होते हैं, वो सारे रीज़न हम इससे जानेंगे। तो हम इसे एलवन पॉइंट पे शिफ्ट करने वाले हैं। एलवन पॉइंट होता क्या है, एक लैग्रेंज पॉइंट है। एलवन से L5 तक हमारे पास 5 लैग्रेंज पॉइंट है, कोई भी 2 सेलेस्टियल बॉडीज़ के अंदर होते हैं। तो यहाँ इस पोजीशन पर क्या होता है कि जो लैग्रेंज पॉइंट होते हैं वहाँ पर ग्रेविटेशन पुल जो होता है सेलेस्टियल बॉडीज़ का, वो सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है उसके बराबर होता है। तो उससे क्या होती है कि जो बॉडी होती है हमारी, जो हम स्पेस क्राफ्ट भेजते हैं, वो एक जगह स्टेबल रहता है। और इस पॉइंट्स को हम पार्किंग स्पॉट्स भी कहते हैं स्पेस क्राफ्ट के, जो कि स्पेस में रहते हैं। तो ये क्या, एक फिक्स पोजीशन पे रख देते हैं हम उसको, इसमें काफ़ी जो फ्यूल कंजप्शन होता है काफ़ी कम होता है। ये एक इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुइस लैग्रेंजे थे, उनके नाम पे इन पॉइंट्स का नाम रखा गया, क्योंकि वो ही पहले बंदे थे जिन्होंने ये पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया था। तो अर्थ और सन के बीच में लगभग 5 लैग्रेंजे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम अपने स्पेस क्राफ्ट को रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि हमारी अर्थ है और ये L1 पॉइंट है, ये इधर साइड में सन है, ये इधर L3 पॉइंट है, L5 पॉइंट है, यहाँ पे L2 पॉइंट है, और यहाँ पे L4 पॉइंट है। और हमने L1 पॉइंट को ही चूज़ क्यों किया, क्योंकि जो L1 पॉइंट है वहाँ पे हम कंटिन्यूस और अनहिंडर्ड व्यू ले सकते हैं सन का, मीन्स हमें कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है, हम इजीली वहाँ पे रख सकते हैं। और L2 पॉइंट की बात करते हैं तो देखो, इस डायग्राम में देखें तो L2 पॉइंट है हमारा ये, जो कि अर्थ के पीछे की साइड है। तो हमें करना है सन को स्टडी, हम यहाँ रख के इसको क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ से हम नहीं देख सकते उतना इजीली, नहीं सकते। L4 L5 पॉइंट काफ़ी ठीक हैं,
बट क्या है इनमें, L5 और L4 पॉइंट में कि ये काफ़ी दूर हैं सन से, मींस अर्थ से। ये L5 है, यहाँ पे L4 है, तो इनकी जो डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा है। क्यों अपना फ्यूल खर्च करें इतना यहाँ से, और हमारे लिए इतना पॉसिबल भी नहीं होगा स्पेस क्राफ्ट को इतना दूर तक ले जाना अर्थ में, स्पेस में। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी स्पेस क्राफ्ट, तो इसको भी इसी पॉइंट पे स्टेशन किया गया था, और ये लगभग 1996 में स्टार्ट किया गया था। लगभग 400 से ज़्यादा कॉमेट्स को इसने डिस्कवर किया, और आउटर लेयर होती है सन की, और उसको स्टडी किया, और सोलर विंड को एग्जामिन भी किया। तो काफ़ी अच्छी डिटेल्स हमने इस ऑब्जर्वेटरी से मिली, और अभी हमने L1 मिशन भेजा है, इससे भी हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। तो इसमें ज़रूरत क्या है, मीन्स हम सन को क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो सन क्या करता है, रेडिएशन एमिट कर रहा है जो कि ऑल वेवलेंथ में होते हैं, उसकी अपनी मतलब वेरियस एनर्जी पार्टिकल्स या मैग्नेटिक फील्ड्स को स्टडी करेंगे हम उससे। तो एटमॉस्फेयर जो होता है हमारा अर्थ का, उसमें और जो हमारा अर्थ के आसपास जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो एक प्रॉपरली शील्ड की तरह बिहेव करता है, जो भी हार्मफुल वेवलेंथ या रेडिएशन जो अर्थ पे आते हैं उनको ब्लॉक कर देता है। तो उससे क्या आता है, हम अर्थ पे रह के हम सन को स्टडी नहीं कर सकते, तो हमें आउटसाइड द प्लैनेट जाके सन को स्टडी करना होगा। तो जब हम आउटसाइड प्लैनेट जाएंगे तभी हम सन को प्रॉपरली स्टडी कर पाएंगे एक स्पेस से, क्योंकि अर्थ पे तो ब्लॉक हो जाती हैं जो भी रेडिएशंस वगैरह होती हैं, वहाँ पे जाके हम इजीली अपना जो भी रेडिएशंस हैं, जो भी सोलर विंड है, या जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको इजीली स्टडी कर पाएंगे। तो आदित्य L1 मिशन है, हमको काफ़ी सन की जो इंसाइट्स हैं उसके बारे में जानने का मौका देगा, यूनिवर्स को समझने का मौका देगा, जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो किस तरीके से बने, और हमारा जो स्पेस है वो किस तरीके से वर्क करता है, उस सारी चीज़ों के बारे में हमें जानने को देगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।